इस बात को लेकर चर्चा हुई। आज हम लोगों ने ये सभी हमारे जीते हुए नए मेयर्स को प्रदेश मुख्यालय पर बुला करके उनका अभिनंदन किया गया कि उनको आगामी दिनों में शपथ ग्रहण के बाद वो अपने दायित्वों को ग्रहण करने के उपरांत जो पार्टी ने संकल्प पत्र दिया है उसको अपने काम की प्राथमिकता बनाएंगे और नगरों में एक बेहतर परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के मेयरों द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की अनुकूलता का सदुपयोग करते हुए हो, इन सब पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात का कार्यक्रम है, ये जो नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं उनका। हाँ, नवनिर्वाचित मेयर्स ने अपेक्षा की थी कि आज हमारे प्रेरणा पुरुष नरेंद्र मोदी जी हैं तो हम नरेंद्र मोदी जी को मिलकर कुछ उनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। ये सूचना पार्टी के स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों स्तरों से माननीय मोदी जी के कैंप में भेजी गई थी, वहां से सूचना मिली है कि 10:30 बजे वो 5 तारीख को मेयर्स उनको मिलेंगे, माननीय मोदी जी के संग भेंटवार्ता और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इसके अलावा भी मेयर्स को कोई निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाहिर है कि अपेक्षाएं जनता की ज्यादा हैं, केंद्र से लेकर राज्य में सरकार और अब स्थानीय सरकार, तीनों जगह सरकार है, तो ऐसे में कुछ विशेष निर्देश? जैसा स्पष्ट किया ना कि हम लोगों ने जो पार्टी का एजेंडा रखा जनता में, उस एजेंडे का प्रारंभिक याद दिलाया गया उनको कि गत दिनों जब सर्वे हुआ था तो हिंदुस्तान के 100 खराब शहरों में लगभग 40 से 50 शहर उत्तर प्रदेश के ही माने गए थे। अब हम लोग इस दिशा में काम करने के लिए मेयर्स को आह्वान किए हैं कि आगामी दिनों में अब हमारे शहर साफ सुथरे शहरों में गिने जाएं, इस दिशा में सबसे सार्थक पहल आप लोगों को करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी का कहना कि मेयर से मुलाकात के बाद उनको बताया गया है कि जो संकल्प पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने और जो जनता से वादे किए गए हैं उन्हें हर हाल में पूरा करना होगा। कैमरामैन PC चौधरी के साथ फरमान अब्बास, भारत समाचार, लखनऊ।